डब्बा कहाँ गया? डब्बा दे। हाँ तो गाइस आप मेरे हाथ में देख सकते हैं सेंटर फूड का पूरा डब्बा हमने एक मार्केट से एक शॉप से खरीद लिया है। इसकी किस्मत खराब है जो कि अब ये हमारे हाथ में आ चुका है और हमारी किस्मत चमक चुकी है क्योंकि ये डब्बा अब हमारे हाथ में आ चुका है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा डब्बा भरा हुआ अभी और हमारे पास है एक मिक्सर ग्राइंडर और अब आपको भी पता है क्या होने वाला है। इन सभी सेंटर फूड को हम खोल लेंगे और खोलने के बाद में उस मिक्सर के अंदर डाल देंगे। अंदर डालने के बाद उस मिक्सर को चला देंगे और फिर देखते हैं कि इन सभी सेंटर फूड की चटनी बनती है कि नहीं बनती। और उस चटनी बनने के बाद में ये चटनी में दिनेश को टेस्ट करवाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो विशेषज्ञों की निगरानी में बनाया गया है। इस वीडियो में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। आप कृपया इसे घर पर दोहराने का प्रयास न करें। हाँ तो गाइस आप देख सकते हैं जो हमारी मिक्सर ग्राइंडर है वो हम बिल्कुल नया का नया तैयार है। हमने इसको भी नई मार्केट से लिए। ये बिलियन नाम की कंपनी, तो प्लीज आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दें और बिलियन तक पहुंचा दें। मुझे पता है आप पहुंचा देंगे। आप ऊपर देख सकते हैं जो इसके अंदर धारदार ब्लेड है वो भी काफी धारदार है और उसके जो सेंटर फूड है वो अंदर जाने के बाद ये जब चलेगी तो इसका क्या हाल होगा। तो चलिए हम इन सेंटर फूड को एक एक करके खोल लेते हैं। जो हमारा सेंटर फ्रूट है वो इस प्लेट में बिल्कुल तैयार है। जो हमारी मिक्सी है वो भी बिल्कुल तैयार है। मैं इसके अंदर इसको डाल देता हूँ एक एक करके। ये देखिए अभी भी यहाँ पे इस प्लेट के अंदर ही ये चिपकी, तो ये ग्राइंड होने के बाद में किस प्रकार का रिएक्शन करेगी। तो चलिए सारी जो है सेंटर फ्रूट इसके अंदर डाल दी है। ये इसका मैंने लगा दिया है ढक्कन लगा दिया। अब मैं इसको ऑन करने वाला हूँ मगर पहले हमारे YouTube चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब मैं इसको चला जाता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। 1, 2, 3। तो गाइज आप देख सकते हैं इस जो सेंटर फ्रूट है उसके अंदर क्या हाल हुआ है। हो गॉड, सच में ये तो चटनी बन गई है। मैं आपको बाहर निकाल के दिखा देता हूँ इसको हाल। तो हमारी फ्लैट है उसके अंदर मैं निकाल लेता हूँ इसको। ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और चिपक चुका है। ग्राइंड होने के बाद जो हमारी सेंटर फ्रूट है कुछ इस प्रकार से बाहर आ रही है। आप देख सकते हैं कुछ एक बेली टाइप की कुछ बन चुकी है। दिनेश का भैया दिनेश, हाँ उसको खिलाना अभी बाकी है। पता नहीं यार कैसी ये बिल्कुल चिपचिपी हो चुकी है। मेरे हाथ में भी ये चिपक रही है, बाहर निकलने में भी काफी मुश्किल हो रही है और इसके अंदर एक भी हमारी सेंटर फूड बिल्कुल भी नहीं बची। पूरी तरीके से ये ग्राइंड हो चुकी है। तो अगर आप इसको टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट भी कर सकते हैं, काफी कमाल का टेस्ट होने वाला है। मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आपके भी दिमाग में कुछ ऐसा कमाल का आइडिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वहाँ पे हमें एक मैसेज भी कर दीजिए। आपका एक आइडिया हमारा अगला वीडियो बन सकता है। तो जल्दी से जाइए और वहाँ पे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें जल्दी से मैसेज कर दीजिए।